हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो काफ़ी लाइक किया, काफ़ी कमेंट्स किए और कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल कॉल किया। थैंक्स अ लॉट इस प्यार के लिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हैव हैज। जैसा कि आपको पता है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका एक ही मेन पर्पज है, वो पर्पज है एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई वॉन्ट टू सी यू एज अ ग्रेट इंग्लिश स्पीकर। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें और आप अपनी इंग्लिश से कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप अपनी इंग्लिश से सभी को इम्प्रेस करें। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड और मोटिवेशन वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने बताया आपको, यूज ऑफ हैव हैज। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश के अंदर हैव हैज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यूज ऑफ हैव हैज का जो प्रयोग है इंग्लिश में दो प्रकार से होता है, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में इसका जो प्रयोग होता है पजेशन के लिए, पजेशन जहाँ पर हम अधिकार बताते हैं, जहाँ पर भी हम अधिकार की बात करते हैं वहाँ पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव वॉच, मेरे पास घड़ी है। तो ये हम यूज कर सकते हैं। एक दूसरा यूज होता है हैव हैज का, वो सिंपल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। जैसे आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैव हैज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, हैव का प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे। आई वी यू दे के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इनके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब, हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, बहुवचनकर्ता के लिए हम करते हैं आई वी यू दे, इनके लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। कहने का मतलब, एक वचनकर्ता के लिए हैज का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट और नेम, यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया है दोस्तों कि हैव हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वापस बता रहा हूँ, हैव का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, बहुवचनकर्ता के लिए आई वी यू दे, और हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एकवचनकर्ता के लिए ही, शी, इट, नेम, इनके लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको वापस बताने जाऊँगा, हैव हैज का प्रयोग हम दो जगह करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हैव हैज का प्रयोग एक तो होता है पजेशन के लिए, अधिकार के लिए, जिसको हम कह सकते हैं मेन वर्ब, जहाँ पर हैव हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। पजेशन के लिए भी हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आई हैव कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आई हैव बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक बैलेंस है। तो जहाँ पजेशन की बात आती है, वी हैव अ लार्ज आर्मी, हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना है। यू हैव फीवर, आपको बुखार है, ओके। एंड दे हैव लॉट ऑफ टाइम, उनके पास बहुत सारा समय है। तो हैव हैज का सबसे पहले प्रयोग हम करते हैं पजेशन के लिए, जहाँ पर हम अधिकार बताते हैं। तो अधिकार बताने के लिए हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग होता है हैव हैज का, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। जैसा आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है,
आई हैव टेकन फूड. ओके, वे घर पहुंच चुके हैं. दे हैव रीच्ड एट होम. ओके, उसने पत्र लिख लिया है या फिर वह पत्र लिख चुकी हैं. तो सी हैज रिटर्न अ लेटर. तो यहाँ पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो मैं आपको बता रहा था हैव हैज का प्रयोग हम दो जगह करते हैं. एक तो पोजिशन के लिए, मेन वर्ब के लिए जहाँ पर हमें अधिकार बताना होता है, और दूसरा हैव हैज का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहाँ पर कोई क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है. आई हैव टेकन फूड, ऐसे कुछ सेंटेंस. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हैव हैज का प्रयोग हम पोजिशन में कैसे करते हैं. लेट्स गो अहेड. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो हम बात करते हैं हैव हैज का प्रयोग हम पोजिशन में कहाँ करते हैं. अधिकार बताने की बात आती है वहाँ पर हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक. जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, आई हैव अ लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. आई हैव अ लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. अधिकार बता रहे हैं कि वो लैपटॉप मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है. तो आई हैव अ लैपटॉप. मेरे पास एक लैपटॉप है. वी हैव अ प्रूफ. हमारे पास सबूत हैं. वी हैव अ प्रूफ. हमारे पास सबूत हैं. ओके, वी हैव विटनेस. हमारे पास गवाह है. ये भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. आपके पास बहुत सारा पैसा है. यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. तो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं. आगे कुछ और एग्जांपल हम सीखते हैं. दे हैव एक्सपीरियंस. दे हैव एक्सपीरियंस. उनके पास अनुभव है. उनके पास अनुभव है. दे हैव एक्सपीरियंस. जैसे कि आगे अगला सेंटेंस आता है दोस्तों. इंडिया हैज अ लार्ज आर्मी. इंडिया हैज अ लार्ज आर्मी. इंडिया के पास एक विशाल सेना है. इंडिया हैज अ लार्ज आर्मी. इसका भी हम बात कर सकते हैं. हिज फादर हैज बैंक बैलेंस. हिज फादर हैज बैंक बैलेंस. उसके पापा के पास बैंक बैलेंस है. ओके, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं. आई हैव 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस. आई हैव 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस. मुझे 10 साल का अध्यापन का अनुभव है. तो ये सेंटेंस जो बने हैं वो अफर्मेटिव के लिए हुए हैं. जैसे कि आई हैव मलेरिया फीवर. मुझे मलेरिया बुखार है. I have malaria fever. I have a lot of knowledge. मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है. तो I have a lot of knowledge. She has fever. उसे बुखार है. तो ये जो सेंटेंस जो बने हैं वो अफर्मेटिव के रूप में बने हैं. अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव में बात करें जैसे कि I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है. I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है. जैसे कि he has not fever. उसे बुखार नहीं है. he has not fever. okay, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. he doesn't have fever भी हम यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. जैसे कि we don't have time. हमारे पास समय नहीं है. we don't have time. जैसे कि you don't have good experience. आपके पास अच्छा अनुभव नहीं है. तो नेगेटिव की भी हम बात कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं हैव हैज का पोजिशन के अंदर इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करते हैं. इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. डू यू हैव, क्या आपके पास है, या आई हैव, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है. जैसे कि हम कुछ डिस्कस करते हैं दोस्तों. जैसा कि हम बात करते हैं, डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस. डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस. क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. अब इसका आंसर कैसे बोलेंगे, या आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस. हाँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है. ओके, डू यू हैव इंग्लिश डिक्शनरी.
क्या आपके पास इंग्लिश डिक्शनरी है? इसको हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हैव यू इंग्लिश डिक्शनरी, डू यू हैव इंग्लिश डिक्शनरी, या हैव यू इंग्लिश डिक्शनरी। तो इसका जैसे अफर्मेटिव में या आई हैव, या आई हैव इंग्लिश एंड इंग्लिश डिक्शनरी, आई हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी, मेरे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी है। ओके, अगर हम नेगेटिव की बात करें, आई डोंट हैव इंग्लिश डिक्शनरी, या फिर आई हैव नॉट इंग्लिश डिक्शनरी, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, अभी मैं बात करता, या आई हैव ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर डू यू हैव 100 रुपीज चेंज, क्या आपके पास 100 रुपये के चेंज है? डू यू हैव 100 रुपीज चेंज, तो इसका हम बोल सकते हैं या आई हैव 100 रुपीज चेंज, और नहीं है तो आई डोंट हैव 100 रुपीज चेंज। जैसे कि डू यू हैव ओल्ड सॉन्ग्स कलेक्शन, क्या आपके पास पुराने गानों का संग्रह है? या आई हैव ओल्ड सॉन्ग्स कलेक्शन, मेरे पास पुराने गानों का संग्रह है, और नहीं तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट हैव ओल्ड सॉन्ग्स कलेक्शंस, या फिर आई हैव नॉट ओल्ड सॉन्ग्स कलेक्शन। जैसे हम और भी सेंटेंस यूज करते हैं दोस्तों, जैसे कि डू यू हैव लंच बॉक्स, क्या आपके पास लंच बॉक्स है? या आई हैव लंच बॉक्स, हाँ मेरे पास लंच बॉक्स है, और नेगेटिव में क्या बोलेंगे? नो आई डोंट हैव लंच बॉक्स, या फिर आई हैव नॉट लंच बॉक्स, मेरे पास लंच बॉक्स नहीं है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार, क्या आपके पास कार है? या आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और नहीं है तो आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। ओके, जैसे कि क्या आपके पास मौका है? डू यू हैव अपॉर्चुनिटी, डू यू हैव चांस, डू यू हैव अपॉर्चुनिटी, डू यू हैव चांस, या आई हैव अपॉर्चुनिटी, आई हैव अपॉर्चुनिटी, मेरे पास अवसर है, मेरे पास मौका है, आई हैव चांस, नो आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, आई डोंट हैव चांस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और डू यू हैव कॉम, क्या आपके पास कंघा है मुझे बाल संवारने? डू यू हैव कॉम, या आई हैव कॉम, नहीं आई डोंट हैव कॉम, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। जैसे कि एक वो पिक्चर देखी होगी आपने, दीवार पिक्चर, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो बात करते हैं, कैसे करते हैं? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, नौकर है, चाकर है, क्या है तुम्हारे पास? तो आई हैव बैंक बैलेंस, आई हैव कार, आई हैव सर्वेंट्स, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव लग्जरी लाइफ, व्हाट डू यू हैव? तो क्या बोलते हैं? आई हैव मदर, मेरे पास माँ है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, आई हैव, डू यू हैव। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि डू यू हैव, सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे कि आपके पास है, हाँ मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर बात करें थर्ड पर्सन की बात करें, क्या उसके पास है, क्या उसके पास है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डज ही सी नेम हैव, क्या उसके पास है। जैसे कि डज ही सी नेम हैव अ कैरम बोर्ड, क्या उसके पास एक कैरम बोर्ड है, क्या उसके पास यूटेंसिल्स है, बर्तन है? डज ही सी नेम हैव, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डज के बाद हम लगाते हैं ही सी नेम हैव, हैव का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डज आ गया तो आगे हैव का प्रयोग होगा। अगर है तो या ही हैज, या सी हैज, या राजू हैज, और नहीं है तो नो ही डजंट हैव, सी डजंट हैव, या फिर कोई नाम है तो राजू डजंट हैव। जैसे कि हम बात करें, क्या उसे बुखार है? डज ही हैव फीवर, हैज ही फीवर, दोनों सही है। डज ही हैव फीवर, हैज ही फीवर, ओके, हाँ ही हैज फीवर, हाँ यस ही हैज फीवर, नो ही डजंट हैव फीवर, ही डजंट हैव फीवर, उसे बुखार नहीं है, तो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या उसके पास थोड़ा दही है? डज सी हैव अ लिटिल कर्ड, डज सी हैव अ लिटिल
कर्ड, क्या उसे उसके पास थोड़ा दही है? या सी हैज अ लिटिल कर्ड, हाँ उसके पास थोड़ा दही है, उसके पास दही नहीं है. सो सी डजंट हैव अ लिटिल कर्ड, उसे उसके पास दही नहीं है. तो आप देख लिया आपने कि सामने वाली व्यक्ति से बात करिए, डू यू हैव, क्या आपके पास है? आई हैव, हाँ मेरे पास है. आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है. अगर थर्ड पर्सन की बात करें, डज ही सी नेम हैव, क्या उसके पास है? या, और नहीं है तो नो, नहीं है. तो ये हमने सीखा है हैज हैव का पजेशन में यूज कैसे करते हैं. तो आपने सीखा है कि हैज हैव का यूज हम पजेशन में करते हैं, अधिकार बताने के लिए करते हैं. और मेन वर्ब की जब बात करें, जहाँ पर जिस सेंटेंस में हैज हैव मेन वर्ब का भूमिका निभाता है, वहाँ पर हम पजेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो आपने सीखा है. और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा. और इसके और भी सेंटेंसेस आप बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगी, ताकि मैं उनको चेक करूंगा. देखो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे जो कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें आप इसके और भी सेंटेंसेस बना के मुझे आप भेजेंगे. जैसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं कि मेरे पास एक पालतू कुत्ता है. आई हैव अ पेट डॉग, क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता है? डू यू हैव अ पेट डॉग? या आई हैव अ पेट डॉग. जैसे कि और भी बात कर सकते हैं, क्या आपके पास कंप्यूटर है? डू यू हैव अ कंप्यूटर? या आई हैव अ कंप्यूटर, नहीं है तो आई डोंट हैव अ कंप्यूटर. जैसे कि क्या उसके पास घड़ी है? डज ही हैव अ वॉच? या ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है. और नहीं है तो ही डजंट हैव अ वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है. तो इसके और भी एग्जाम्पल आप बना के मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे, मैं चेक करूँगा आपका हर कमेंट्स का, मैं रिप्लाई दूंगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हैव हैज का एक और यूज होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव का यूज होता है, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं. जैसे कि मैं पत्र लिख चुका हूँ. आई हैव रिटन अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर. जैसे कि हम घर पहुँच चुके हैं. वी हैव रीच्ड एट होम. तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. मेरा अगला वीडियो आने वाला है जिस पे मैं टेंस के ऊपर आपको मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. जब मैं आपको पूरा डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, उसका वेट करें, ताकि हम उस पे पूरा अच्छी तरह से सीख पाएंगे. अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कि वे खाना खा चुके हैं. दे हैव टेकन फूड. ओके, तो मैं बता रहा था हैव हैज का दूसरा प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में, जहाँ पर फीलिंग आती है चुका है, चुकी है, या फिर लिया है. मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क. तो मैं बता रहा था दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जब टेंस का टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तब मैं इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. हैज हैव का हमने प्रयोग करना सीखा है कि हैव हैज का प्रयोग इंग्लिश में दो प्रकार से होता है. मेन वर्ब के रूप में होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं पजेशन की, और दूसरा प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जहाँ हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मेरा अगला वीडियो आएगा, बहुत जल्दी आएगा, उसको आप जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो. और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप जितना मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो रिप्लाई मुझे देंगे, मुझे बहुत अच्छा फील होगा. थैंक्स अ लॉट, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और आप मेरे वीडियो को देखते रहें. बाय बाय.